हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक गणित की एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा आपके मस्ती मजाक के लिए है और कुछ नहीं है। एक गणित की ट्रिक है। तो इस गणित की ट्रिक में मैं आपको आप हम किसी एक हम कोई हम दोनों मिल करके हम सब मिल करके एक कैलकुलेशन करेंगे। उस कैलकुलेशन का आंसर मैं यहाँ से बताऊंगा। आपने कुछ नंबर्स चूज करने हैं और कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और उस कैलकुलेशन का जो लास्ट में आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस कैलकुलेशन की, कैसे उसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अपने आपको एक अंक चूज करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अंक जो है 1 से लेकर के 10 तक ही चुनिए, क्योंकि अगर 10 से ऊपर आप अगर अंक चुनेंगे तो थोड़ा आपको गुणा भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। तो फिलहाल जो है आप 1 से लेकर के 10 तक अंक चुन चुन सकते हो। चुनने के तो आप ऊपर के भी चुन सकते हो, लेकिन वही बात है कि दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में। तो 1 से लेकर के 10 के बीच आप कोई भी एक अंक चूज कर लीजिए, कोई भी एक अंक चूज कर लीजिए, ठीक है? उम्मीद है आपने चूज कर लिया होगा। अब जो अंक आपने चूज किया है उस अंक का आप दुगुना कर दीजिए, जो भी आपने चूज किया उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कर दिया आप लोगों ने, ठीक है? तो जो ये दुगुना करके मीन्स 2 से गुणा करके जो भी आपका आंसर आया है, उस आंसर में आप लेट से आप मेरी तरफ से 6 जोड़ दीजिए, ठीक है? तो उसमें 6 जोड़ के जो भी आपका आंसर भी आया है, कुछ भी आपका आंसर आया है, ठीक है, उस आंसर का आप ठीक आधा कर दीजिए। जो भी आया उसका ठीक आप कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ठीक? आधा करने के बाद जो आपका आंसर आया है उस आंसर में आप वही संख्या घटा दीजिए जो आपने क्या किया चूज किया था, जिस संख्या को आपने चूज किया था, ठीक है? तो आपका जो आंसर आ रहा है, आपका आंसर है 3। बिल्कुल सही, अगर मैं गलत ना हूं तो आपका आंसर क्या है 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों? चलो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए एक और अंक चूज कर लीजिए, कोई भी एक अंक 1 से लेकर के 10 के बीच कोई भी एक अंक चूज कर लीजिए। आपने उसको चूज कर लिया, उस अंक को आप जो है 200 गुणा कर दीजिए, ठीक? अब 200 गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आया है उस आंसर में फॉर एग्जाम्पल आप मेरी तरफ से उसमें 4 जोड़ दीजिए, आप उसमें 4 जोड़ दीजिए, ठीक है? अब जो भी आंसर आपका आया है 4 जोड़ने के बाद उसका आप ठीक आधा कर दीजिए, उसका आप ठीक आधा कर दीजिए, ठीक है? आधा कर दिया आपने। तो आधा करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है उस आंसर में से आपने जो सबसे पहली संख्या चूज की थी, जो आपने सोची थी दिमाग में, उसको आप घटा दीजिए, उसको उसका घटाना कर दीजिए, आपने घटा दीजिए, ठीक है? घटा दिया। तो आपका जो अभी प्रॉब्ली जो आपका आंसर आ रहा होगा, आपका आंसर आ रहा होगा 2। बिल्कुल सही, अगर मैं गलत ना हूं तो आपका आंसर बिल्कुल 2 आ रहा है, ठीक है? चलो एक ये तो एक सिंपल सवाल था, एक थोड़ा टिपिकल सवाल मैं आपको बताता हूं, और मुझे आई एम डैम श्योर, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि आपको उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, पर चलिए उसको करके देख लेते हैं। आप मानो कोई इन जो इससे पहले आपने जो 2 संख्या रखी थी उस 2 संख्या को मत रखिए, कोई तीसरी संख्या आप अपने दिमाग में रखिए, एक चूज किए कोई भी एक संख्या चूज कीजिए। कर लिया आपने चूज, चूज करने के बाद उस संख्या को सेम वही आप 200 गुणा कर दीजिए, जो भी आपका आपने चूज किया उसको 200 गुणा कीजिए। 200 गुणा करने के बाद जो भी आपका आया मान लीजिए उसमें आप 5 जोड़ दीजिए, 5 जुड़ के जो भी आपका आंसर आया है उसका आप ठीक आधा कर दीजिए, आपने उसका आधा कर दीजिए, ठीक है? अब जो आपका आधा आया है उस आधे में से आप वही संख्या माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए जो आपने सबसे पहले चूज की थी। आपको तो दिक्कत हो रही है घटाने में, आई एम श्योर आपको दिक्कत हो रही है घटाने में, कोई बात नहीं। चलो अगर दिक्कत हो रही तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 2.5, इसका आंसर आपका आएगा 2.5। आप देख लीजिए कैलकुलेटर पे, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 2.5। तो बच्चों ये एक छोटी सी ट्रिक है, जस्ट फॉर फन एंटरटेन के लिए है, इसको आप इतना सीरियस ना लें। अपने दोस्तों के साथ इसको इस ढंग से आप शेयर कर सकते हैं कि ये वीडियो एक ऐसा है जिसमें ये ट्रिक बताई गई है। अगर आप जितना इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, मैं इस ट्रिक का आपको राज भी बता दूंगा, और इस वीडियो पे अगर मुझे एक दिन में मैक्सिमम अगर 1000 लाइक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं
नेक्स्ट टाइम और कुछ दिनों में इसका राज आपको बता दूंगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, जस्ट फॉर द फन। तो नेक्स्ट आऊंगा एक नए सवाल के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को क्लोज करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल पे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आएगा, जैसे कि यार आपका रेड सर्कल में जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, तो हमारी आने वाली सारी वीडियोज आप तक जो है टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।